हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस्टिंग के बारे में। मिस्टिंग यानी कि पानी का छिड़काव। तो पौधों पर हमें पानी का छिड़काव करना चाहिए या नहीं, कब कब पानी का छिड़काव करना चाहिए, किस मौसम में कितना छिड़काव करना चाहिए और क्या इसको करने के कुछ नुकसान या फ़ायदे हैं, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और गार्डनिंग से रिलेटेड मेरी जो जानकारी है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टिंग यानी कि छिड़काव करना पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसके तीन चार कारण हैं। सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो ये है कि पौधों के आसपास मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए हमें मिस्टिंग करना चाहिए। स्पेशली गर्मियों में या फिर सर्दियों में भी कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमें मिस्टिंग पौधों पर करनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में तो हमें मिस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए पौधों की। तो पहला रीज़न हो गया कि नमी क्रिएट करने के लिए हमें मिस्टिंग करनी है। दूसरा, जो पौधों के ऊपर आप देखते होंगे एक छोटी सी पतली सी लेयर बन जाती है मिट्टी की, उसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी की वो परत जो होती है ना, वो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे कि पौधा अपना जो भोजन है उसको बनाने में असमर्थ हो जाता है और पौधे की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। अब बात करते हैं किस किस प्लांट पर आप मिस्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हर प्लांट पे मिस्टिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सकुलेंट प्लांट्स को छोड़कर आप हर एक प्लांट पे मिस्टिंग कर सकते हैं। इवन सकुलेंट प्लांट्स पे भी हम मिस्टिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसकी पत्तियाँ गल सकती हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं मेरा, ये इंडोर एरिया है यानी कवर्ड एरिया है। तो इसमें जितने भी प्लांट्स हैं उनको मैं वीकली मिस्ट करती हूँ, यानी हफ्ते में एक ही बार मिस्ट करती हूँ, क्योंकि उसी दिन मेरा आंगन में धुलाई होती है और बहुत ही अच्छे से मिस्टिंग हो जाती है और पौधों की सारी पत्तियां साफ़ हो जाती हैं। आप स्प्रे बॉटल की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका ऐसा एरिया है कि आप उसको वॉश नहीं कर सकते हैं, धो नहीं सकते हैं, तो आप स्प्रे बॉटल की हेल्प से भी मिस्टिंग कर सकते हैं। स्पेशली जो डेलिकेट प्लांट्स होते हैं उनकी मिस्टिंग आपको स्प्रे बॉटल से ही करनी चाहिए। अच्छा कोई भी स्प्रेयर लेकर आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, मिस्टिंग जब आप करें पौधे के ऊपर तो बहुत पास से ना करें, बहुत तेज़ धार के साथ ना करें, दूर से मिस्टिंग करें और हल्की धार के साथ के ऊपर मिस्टिंग करें, तो पत्तियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है और काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। तो मैं सारे ही प्लांट्स पे अपने इन दिनों, क्योंकि गर्मियां हैं, तो मैं डेली सुबह शाम दोनों टाइम मिस्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शाम के समय तो मैं डेली करती ही करती हूँ। सुबह अगर लेट हो जाता है, धूप तेज़ हो जाती है, तो मैं उसको अवॉइड करती हूँ, क्योंकि तेज़ धूप में हमें मिस्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो शाम के समय मैं बहुत ही अच्छे से अपने प्लांट्स को मिस्टिंग करती हूँ। दूसरा, अगर कोई पेस्ट लगा होता है तो मिस्टिंग से वो भी हट जाते हैं, पेस्ट कम हो जाते हैं। और अगर किसी प्लांट पे पेस्ट हैं, चीटे हैं, कुछ भी है, तो वो मिस्टिंग करने से आपको पता चल जाता है और आप उसको टाइमली क्योर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हो गए। मिस्टिंग इसलिए भी करनी है हमें नमी क्रिएट करने के लिए, दूसरा प्लांट की केयर के लिए, प्लांट्स में अच्छा फोटोसिंथेसिस हो उसके लिए। तो मिस्टिंग के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जो नमी वाले प्लांट्स होते हैं स्पेशली, वो मिस्टिंग से बहुत खुश रहते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ होती है। बस ध्यान रखना है कि ओवर मिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। वेदर के हिसाब से आपको मिस्टिंग करनी है। गर्मियों में आप ज़्यादा कर सकते हैं, सर्दियों में थोड़ी सी कम, लेकिन मिस्टिंग आपको हमेशा पौधों को ज़रूर करनी चाहिए। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।